अस्सलाम नाजरीन, जीवित टू न्यूज़ एचडी के साथ में हूँ आपके मेज़बान मोहम्मद सैयद। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोहब्बत कहनी में, और हर साल की तरह यहाँ पर इस साल भी जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो कोर्सेज है कम्प्लीट करने वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और आपको बताते चले, यहाँ पर अकेडमी के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के हवाले से यहाँ पर बाकायदे क्लासेज रखे हुए हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ पर बाकायदे इंग्लिश के प्रॉपर क्लासेज लेते हैं उनके लिए अकेडमी की तरफ से उनको सर्टिफिकेट किए जाते हैं। तो चले हम आपको लेकर चलते हैं हॉल की तरफ, और यहाँ पर मौजूद जो गेस्ट हैं स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनसे हम किराए लेते हैं और जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो आप उनको दिखाते हैं। We are from English training class, so without wasting your precious time, I would like to invite Ms. Shafia, please come here and try to find your curriculum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, you may go. I have three.
How much time will you spend here? Every time. Okay, I will call you later. Okay, thank you. Break. बतूल है और मेरा ताल्लुक हिप्पी से है। मैंने जब से मैं 9th क्लास में थी तब से मैं इसी मुहापाक एकेडमी के स्टूडेंट हूँ
और माशाल्लाह पहले मैं मतलब कुछ किसी के सामने कुछ बोलने के काबिल नहीं थे, लेकिन सर हबीब के मनहूर मिन्नत थे कि मुझे बहुत सारे मौके दिए हफ्ते में प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि मजलिस के सामने कुछ बोलूँ, अब मैं इस काबिल हो गई हूँ पहले से। तो सर हबीब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसी के मरहूम मिन्नत है। कौन गाइस, मेरा नाम सानिया इकबाल है और मेरा ताल्लुक रक्षन से है। मैंने यहाँ पर मोहा पाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर में 3 साल कोर्स किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो चुकी है। तो मैं चाहूँगी कि अगले साल से आप भी इस एकेडमी को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को और भी मज़ीद इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच। कहना चाह रहा है और मैं प्रोसेंस से हूँ। मैं मोहा पाक इंग्लिश लर्निंग से यानी कि मैं 4 साल से इधर हूँ, यानी कि मैं 9th क्लास में इससे पढ़ रही हूँ। लेकिन पिछले महीने 3 महीने में मैंने ये कोर्स किया है और मैं पहले यानी कि मैं बोलने के काबिल नहीं थी इंग्लिश, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कुछ बोलने के काबिल हूँ और मैं सर हबीब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम रज़िया है और मैं बरा से हूँ। और मैंने जब एडमिशन लिया मोहा पाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर में, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं और यहाँ के माहौल भी बहुत ही अच्छा है। तो मेरा सजेशन ये है कि सबको कि आप लोग भी ज्वाइन करें एकेडमी में, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। मुझे इंग्लिश का एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इंग्लिश लिखती इंग्लिश में लिखती भी हूँ और मैं इंग्लिश मुझे इंग्लिश प्रॉपरली आती भी है। नाम गुनैन अली है, मैं खरखुश से हूँ। मैं इंग्लिश में बहुत वीक थी, मैंने 3 महीना हो गया मैं मोहब्बा इंग्लिश लर्निंग ज्वाइन करके, और मैंने अपने इंग्लिश में बहुत इम्प्रूव किया है। तो लास्ट में मेरा आप सबसे ये अप्लाई है कि आप लोग भी यहाँ आए और इंग्लिश ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। बानो है और मेरा ताल्लुक बड़ा पाइन से है। मैं सबसे पहले तो मैं सर हबीब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैं इस एकेडमी में आने से पहले मैं ना इंग्लिश बोल सकती थी, ना मैं इंग्लिश में कुछ ऐसे वगैरह लिख सकती थी। इस एकेडमी में आने के बाद अब मैं इंग्लिश बोल भी सकती हूँ और मैं बहुत कुछ लिख भी सकती हूँ। इसलिए मैं सर हबीब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपका भी बहुत शुक्रिया। नफसा और मेरा ताल्लुक सेलिंग से है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 माह की कोर्स कम्प्लीट ही किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी मशवरा देता हूँ मोहा पाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर में आए और अपना इंग्लिश इम्प्रूव करें। मेरा ताल्लुक बड़ा पाइन से है। मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थी, मैंने मोहा अकेडमी ज्वाइन किया है, मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है और मैं सर हबीब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। और लास्ट में आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ, आप सब भी आए और अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग अब इंग्लिश इम्प्रूव करें। मैं हमारी सर हबीब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने दिल से हमें इंग्लिश पढ़ाए। पहले मैं बहुत ही कमज़ोर थी, अब माशाल्लाह से बहुत कुछ लिख सकती हूँ, ऐसा राइटिंग इसी तरह वगैरह। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि आप सभी इंग्लिश लैंग्वेज मोहा पाक इंग्लिश लैंग्वेज ज्वाइन करें। मेरा नाम शाहिद शिनास है, मेरा ताल्लुक खपलो मलाली से है और मैं आप लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश में बहुत वीक थी और 3 महीने का जब मैंने कोर्स किया तो इसमें बहुत सी चेंजिंग आई और बहुत सी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। और आप सब से भी गुजारिश है कि आप सब भी यहाँ पर आएँ और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीखें, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और जिसकी वजह से बहुत से फ़ायदेमंद होते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा सर हबीबुल्लाह का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर मेहनत की और जिसकी वजह से बहुत सी तब्दीलियाँ आएँ। और आखिर में शुक्रिया कोर्स फ्रॉम दिस एकेडमी। बिफोर जॉइनिंग मोहा पाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटर, बट बाई द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी आफ्टर जॉइनिंग मोहा पाक इंग्लिश लर्निंग सेंटर आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटर बट ऑल्सो स्पीक मैनी थिंग मोर इन इंग्लिश। इंशाल्लाह दिस कोर्स विल बेनिफिट मी ग्रेटली इन द फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम दौलत अली है, मुझे आज मोहा पाक अकेडमी इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी में एज ए गेस्ट, इनकी आज सर्टिफिकेशन सेरेमनी थी जिसमें मुझे एज ए गेस्ट इन्होंने बुलाया था, तो बड़ी खुशी हुई स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंट लेवल देख के, इनकी इंग्लिश स्पीचेस देख के और इनकी परफॉर्मेंसेस देख के। मैं बड़ा इंजॉयमेंट हुआ, बड़ा लुत्फ़ आया
और इन सारी चीज़ों की जो क्रेडिट जाती हैं ये सर हबीबुल्ला साहब को जाता है, जिन्होंने इस इतने ज़बरदस्त तरीके से एक कम वक्त में इन स्टूडेंट्स को इस कैपेबल बनाया। यकीनन हमारे गंगछे में सर हबीब जैसे टीचर्स की अशद ज़रूरत है और इस तरह की प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, और हमारे स्टूडेंट्स में बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, इनको जस्ट अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, इनको प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मोहब्बाक अकेडमी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, जिसका सबूत आज इस फंक्शन के ज़रिए हमें देखने को मिला। थैंक यू सो मच। आज की इस तकरीब के हवाले से आपको ये बताना चाहूँगी कि जो मेरी अकेडमी का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, अकेडमी अलहमदुलिल्लाह इसके अलावा मैंने ये सोचा था कि जैसे इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है हमारी नॉट ऑनली हमारी अकेडमी के हिसाब से, बल्कि आज और फिर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से अब तक 486 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिए। दो मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट थे कि वो लोग मेरे जो सर्टिफिकेशन की बेस पर टूटी गए, और हर दफ़ा माशाल्लाह से स्टूडेंट ने कभी इम्प्रूवमेंट की। जैसे आज आपने देखा कि ये बच्चियाँ ऐसे थे माशाल्लाह से, जो शुरू में जब पहली दफ़ा हमारी जो बेस ज्वाइन की तो फिर वो एक लफज बोलने का काबिल नहीं था, सामने आते हुए बड़े डिफिकल्टी महसूस करते थे। लेकिन हमने उस इंग्लिश की शेडिंग को इस तरह से बनाया हुआ है कि न सिर्फ वो कुछ बोल सके बल्कि उनकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सके, लिहाजा हम रोज़ाना की बेस पर उनको कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हमारे पास टोटल 42 स्टूडेंट हुए, ये इंशाल्लाह चलना है रिविजन मार्च से लेकर 20 मार्च तक, और 42 स्टूडेंट्स में से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप जीबी ट्रू न्यूज HD को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सके।